तो दोस्तों आज है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी M13 5G डिवाइस और यहाँ मैं करने जा रहा हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। देखते हैं क्या मिलता है आपको सैमसंग गैलेक्सी M13 में। सबसे पहले बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर ये M13 का डिज़ाइन कुछ छपा हुआ है। रियर साइड पर कुछ हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 15 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो चलिए देखते हैं अपने गैलेक्सी M13 को ओपन करके कि क्या यहाँ आपको मिलने वाला है। सबसे पहले ये बॉक्स के साथ आपको मिलता है एक और बॉक्स जिसमें आपको मिलता है सिम इजेक्टेड पिन और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कुछ पेपर्स यानी कि बैक कवर आपको इस डिवाइस के साथ नहीं मिलेगा। इसके बाद ये है अपना गैलेक्सी A13 जिसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पर ये आपको मिलता है एक एडेप्टर जिसकी आउटपुट रेटिंग है 9 वोल्ट एंड 1.67 एम्पीयर यानी कि 15 वॉट का फास्ट चार्जर आपको डिवाइस के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहां देखने को मिलती है एक USB 2 Type-C केबल। दोस्तों ये है अपना गैलेक्सी M13 5G। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में तो कुछ ये डिज़ाइन आपको यहां पर देखने को मिलता है। बैक पर आपको एकदम प्लेन शेप दिया गया है। कैमरा शेप की बात करें तो ये दो कैमरा लेंस दिए गए हैं जिन पर कोई भी बॉर्डर या फिर कोई भी कैमरा फ्रेम नहीं दिया गया है। बराबर पर आपको मिलता है LED फ्लैश और बैक पर क्या सर्फेस आपको देखने को मिलेगा ये आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो। M13 5G के अगर डिमेंशन की बात करें तो इसका स्लिमनेस है 8.8 mm, वेट 195 ग्राम। इसके अलावा बॉटम पार्ट पे आपको मिलता है 3.5 mm का हेडफोन जैक, माइक, टाइप सी पोर्ट और मीडिया स्पीकर। लेफ्ट साइड पर आपको मिलते हैं सिम और SD कार्ड स्लॉट्स। दोनों सिम और SD कार्ड आप यहां पर एक साथ यूज कर सकते हो। टॉप पर आपको मिलता है नॉइस कैंसिलेशन माइक। तो राइट साइड पे आपको मिलता है पावर बटन जिसके ऊपर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन। फ्रंट पर आपको मिलता है टाइप वी नॉच डिस्प्ले और काफ़ी चौड़े चौड़े बेजल्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिर भी अगर कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो उस कंडीशन में गैलेक्सी M13 5G एक कॉम्पैक्ट डिवाइस लगता है और सिंगल हैंड से आप इसे बड़े आराम से यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं गैलेक्सी M13 के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ आपको मिलता है 6.5 इंच का HD+PLS डिस्प्ले। अब डिस्प्ले के मामले में ये डिवाइस आपको निराश कर सकता है क्योंकि सैमसंग के साथ या तो आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है HD+ या फिर फुल HD+PLS डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है HD+PLS डिस्प्ले। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है क्योंकि इतने अच्छे कलर्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा डिवाइस का रेजोल्यूशन भी इतना अच्छा नहीं है तो शार्पनेस भी डिस्प्ले की इतनी ज़्यादा कमाल की नहीं है। हालांकि व्यूइंग एंगल की बात करें तो वो ठीक ठाक है क्योंकि आजकल ये सभी डिवाइसेस में अच्छा ही आता है। ब्राइटनेस की बात करें तो आउटडोर में आप अपनी डिवाइस को बड़े आराम से यूज कर सकते हो, बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से HD+ डिस्प्ले मुझे नहीं लगता गैलेक्सी A13 में ठीक है। अब बात करते हैं गैलेक्सी M13 के UI फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलता है सैमसंग का वन UI का वर्जन 4.1 और ये डिवाइस एंड्रॉयड 12 पर रन करता है। फीचर्स की बात करें तो वो सारे बेसिक फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो सैमसंग के वन UI में देखने को मिलता है, जैसे कि वॉलपेपर एंड थीम स्टोर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है। पावर बटन के ऊपर ही यहाँ पर आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर और दोनों की परफॉर्मेंस यहाँ पर ठीक ठाक लगी। इसके अलावा कुछ एडवांस फीचर्स की बात करें तो एंड्रॉयड ऑटो, क्विक फेयर जैसे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। मोशन एंड जेस्टर्स के अंदर कुछ जेस्टर कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा गेम लॉन्च एंड गेम टूल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। दो फेसबुक, दो व्हाट्सएप यूज करने के लिए यहाँ पर आपको डुअल मैसेंजर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एंड्रॉइड का कोर फीचर डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर आप अपना पूरा डेटा, बैटरी का और रैम एंड रोम से रिलेटेड डेटा चेक कर सकते हो। अगर अवेलेबल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास है 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन और 64GB में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो लगभग 18GB का स्पेस भरा हुआ है, यानी कि लगभग 46GB का स्टोरेज आपको फ्री मिलेगा आपके पर्सनल यूज के लिए। रैम की बात करें तो अभी कोई भी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी का इसमें इंस्टॉल नहीं है और यहाँ पर आपको 1.6GB की रैम फ्री मिलती है अपने पर्सनल यूज के लिए। 2GB की रैम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड की गई है इस OS या फिर जो ऑलरेडी डिफॉल्ट पर जो रनिंग एप्लीकेशन है उनके द्वारा। इसके अलावा ये है आपका क्विक एक्सेस पैनल जहाँ पर आपको नियर बाई शेयर, इसके अलावा पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाता है, आई कम्फर्ट सील यानी कि ब्लू लाइट फिल्टर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, डार्क मोड आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, इसके अलावा बेड टाइम मोड आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, फोकस मोड, किड्स मोड जैसे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा सैमसंग का सबसे कमाल का फीचर सिक्योर फोल्डर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है जो कि जनरली इस प्राइस रेंज के डिवाइसेज में से गायब रहता है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आपको यहां देखने को मिलेगा बट ये केवल हेडफोन पर ही वर्क करेगा। तो फीचर्स के मामले में यहां गैलेक्सी M13 5G आज के कॉम्पिटिशन के हिसाब से या फिर कहें सैमसंग के बाकी के डिवाइसेस के हिसाब से एकदम परफेक्ट है।
अब बात करते हैं गैलेक्सी M13 के कैमरे के बारे में। तो यहाँ रेयर पर आपको मिलता है डुअल रेयर कैमरा सेटअप, 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, फ्रंट पर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, अपर्चर साइज ऑफ 2.0। अब पिक्सल काउंट किसी भी कैमरे की परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती है, बट अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो 14-15 हज़ार रुपये में आपको फ्रंट पर मिलता है 5 मेगापिक्सल कैमरा, तो आप भी सोचोगे कि क्या ये लेना सही होगा। इसके अलावा रेयर पर अभी डुअल रेयर कैमरे का ट्रेंड नहीं है, हालांकि मुझे पता है कि दो कैमरे काफ़ी हैं किसी भी फ़ोन में, एक डेप्थ सेंसर, एक प्राइमरी कैमरा, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बट कॉम्पिटिशन के हिसाब से रेयर पर केवल डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट पर सिंगल कैमरा, वो भी 5 मेगापिक्सल का, मुझे लगता है गैलेक्सी M13 को कैमरे के फील्ड में थोड़ा सा पीछे कर सकता है। हालांकि इसका मैं एक डिटेल कैमरा रिव्यू जल्दी ही आपको दूंगा, जहां पर आपको पता चलेगा कि गैलेक्सी M13 के कैमरे में वाकई कितना दम है। कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको यहां देखने को मिल जाता है रियर और फ्रंट दोनों के लिए। फुल एचडी तक का वीडियो आप यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन 60fps का सपोर्ट आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो प्रो मोड, पैनोरामा मोड और नाइट मोड आपको यहां देखने को मिल जाता है। स्लो मोशन, फास्ट मोशन जैसे फीचर्स यहां से गायब हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि गैलेक्सी M13 के कैमरे में कितना दम है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कुछ फोटोज़ हैं जो मैंने गैलेक्सी A13 5G से कैप्चर की हैं। अब यहाँ का परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिली है। डिटेलिंग के मामले में काफ़ी कमाल का डिवाइस है, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलती है। कलर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा पंची कलर्स देखने को नहीं मिलते, और अगर आप बहुत ज़्यादा नज़दीक से कोई फ़ोटो लेते हो तो वहाँ फोकस करने में काफ़ी स्ट्रगल करता है ये डिवाइस। डिटेल कैमरा रिव्यू में जल्दी ही आपको दूंगा, फर्स्ट इंप्रेशन में डिवाइस ठीक ठाक लगता है, लेकिन 15,000 में इससे अच्छा कैमरा आपको अदर डिवाइसेज में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हार्डवेयर की। तो गैलेक्सी M13 में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 700 प्रोसेसर, मान लीजिए 57 GPU, तो कॉमन यूज के लिए यहाँ पर आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी कमाल का डिवाइस है। इसके अलावा अगर गेमिंग की बात करें तो मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स भी आपके यहाँ पर बड़े आराम से प्ले हो जाएंगे, इसके मामले में ठीक ठाक डिवाइस साबित हो सकता है गैलेक्सी M13। हालांकि कुछ डिवाइसेस के साथ इसका स्पीड टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि इस डिवाइस में कितना दम है। वैसे भी डायमेंसिटी का 700 प्रोसेसर ठीक ठाक है कॉमन यूज़ के लिए और मीडियम ग्राफिक्स तक की गेमिंग के लिए। बैटरी की बात करें तो गैलेक्सी M13 5G में आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी, और यहाँ पर 15W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो दो वेरियंट में ही अवेलेबल है गैलेक्सी M13 5G। प्राइमरी वेरियंट है 14,000 रुपये का, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दूसरा वेरियंट आता है 16,000 रुपये का, जिसमें आपको मिलेगी 6GB की रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। और जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया UI फीचर्स के अंदर, केवल 1.6GB की रैम अवेलेबल है आपके पर्सनल यूज के लिए, बिना एक भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, तो उस कंडीशन में मुझे लगता है 6GB रैम वाले वेरिएंट ही आपके लिए सफिशियंट होगा। तो दोस्तों, यही था मेरा सैमसंग गैलेक्सी M13 5G का अनबॉक्सिंग या फिर कहीं छोटा सा रिव्यू। अब नो डाउट सैमसंग के डिवाइसेस महंगे होते हैं, ये सबको पता है, बट यहाँ पर गैलेक्सी M13 5G के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको 5G के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिस वजह से आप इस डिवाइस को परचेज करो। सैमसंग के और भी डिवाइसेस इस प्राइस रेंज में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जहां पर आपको इससे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर केवल 5G के लिए आपको डिवाइस लेना है तो इस प्राइस पॉइंट पर सैमसंग का ये डिवाइस आप ले सकते हो, अदरवाइज सैमसंग गैलेक्सी M13 4G इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं हूँ धर्मेश, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।